यार 6 बजे तक तो 6:15 हो रहे हैं, अभी तक स्टूडेंट्स आए नहीं है, क्या करें यार? छुट्टी टाइमिंग बढ़ा लेते नहीं, आप लोगों का टाइम असल में कम है, जो 8 से 10 वाली क्लास होती है ना उनको पूरे 2 घंटे मिलते हैं, एक बार नमाज ब्रेक नहीं होती, आप लोग का जो है वो लेट आते हो तो उसकी वजह से क्लास लेट हो जाती है, जल्दी नहीं आना है ना, यही तो 6 बजे तक मैं अनाउंस कर दूंगा, 6 बजे तक यार आप लोग तो खैर आ जाते हैं, जो नहीं आए उनके लिए मैं अनाउंस कर दूंगा कि 6 बजे तक आ जाया करें ताकि हम लोग फिर क्लास स्टार्ट कर दें। डीएससी भी समझ आ गया ना सबके, लैब भी की थी आप लोगों ने, क्लियर है कॉन्सेप्ट, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा उसमें हम लोगों ने वो किया था डीएससी के जो अटैक्स थे वो भी देखे थे, तो कौन कौन से थे वो? नहीं अटैक्स बताओ ना कौन कौन से, रॉक सर्वर और एक क्या था स्टारवेशन, स्टारवेशन में क्या होता है फिर बताओ,
डायरेक्शन में वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कर, बी लाइन के जरिए। नहीं नहीं एक मिनट बताना, मैक एड्रेस को स्पूफ करके वो मैक एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कौन बताएगा, आप बताएं सर्विस में क्या होता है, क्यों आप सुनिएगा। आपके पास डीएससीपी के अंदर एक पूल डिफाइन होता है, उस पूल में एक लिमिटेड आईपीज होती हैं, वही आईपीज डीएससीपी सर्वर क्या कर सकता है, दे सकता है। जब वो पूल खत्म हो जाएगा तो वो मजीद आईपीज जो है वो अलॉट नहीं कर सकता, सही। तो हैकर करता क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर चलाता है नेटवर्क पे और उसके थ्रू क्या करता है, मैक एड्रेस के थ्रू क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है डिस्कवरी की, डोरा का प्रोसेस होता है ना, तो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है और उसके बिहाफ पे क्या करता है डीएससीपी सर्वर अपनी आईपी सारी उस फेक मैक एड्रेस के ऊपर असाइन करना शुरू कर देता है और एट द एंड क्या होता है कि उसका पूल खत्म हो जाता है, वो मजीद आईपी क्या करता है असाइन नहीं कर सकता, जिसके बिना पे क्या होगा, जो लेजिटिमेट यूजर होगा आपके नेटवर्क का उसको आईपी नहीं मिलेगी और जब आईपी नहीं मिलेगी तो क्यों क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है डीएससीपी स्टार्वेशन अटैक। और दूसरा कौन सा था, रॉक सर्वर, उसमें क्या होता है आप बताएं। नहीं पता सर, उसमें सर फेक डीएससीपी होता है जो जैसे आईपी जो डीएससीपी होता है वो उसका फंक्शन परफॉर्म करता है फेक डीएससीपी। पैरेलल एक और सर्वर लगा देते हैं डीएससीपी का, सही है। एक सर्वर आपका चल रहा है, वो हैकर क्या करेगा उसी नेटवर्क पे किसी भी पोर्ट पे अपना सर्वर ऑन कर देगा डीएससीपी का। अब जो जितने यूजर होंगे जब वो रिक्वेस्ट करते हैं, चूंकि ये ब्रॉडकास्ट होती है तो वो क्या करेगा, सर्वर जो फेक सर्वर होगा ना वो भी आईपी जो है वो ऑफर करना शुरू कर देगा। तो मे बी पॉसिबल चांस है कि आपका यूजर क्या करे उस सर्वर से आईपी लेके बैठ जाए और उसमें जो है डीएससीपी भी उसमें जो गेटवे डिफाइन होगा वो भी उसी सर्वर का ही होगा। तो आपका जितना भी किसी और नेटवर्क को जाना होगा यूजर को, तो अपना सारा डेटा कहाँ भेजना शुरू कर देगा, उस गेटवे पे, और वहां पे उसने स्निफर लगाया होगा तो उसके थ्रू क्या करेगा वो कैप्चर कर लेगा, सही। तो उसके इससे बचने के लिए हमने फिर कुछ कमांड देखी थी नेटवर्क के ऊपर स्विच के ऊपर, वो कौन सी कमांड थी, आईपी डीएससीपी स्नूपिंग हम क्या करते थे, ऑन कर देते थे। उसकी उस पर क्या होता था कि वो क्या करता था, वो ब्लॉक कर देता था डीएससीपी की जो डोरा की जो रिक्वेस्ट होती है ना, जब वो आती है तो वो सर्वर जब ऑफर करेगा उसको तो वो ब्लॉक कर देता था, तो वो ब्लॉक सबका कर देता था। फिर हमने क्या करना पड़ता था, जो हमारा जो एक्चुअल सर्वर है उसकी पोर्ट पर जाके क्या करना पड़ता था, ट्रस्ट करना पड़ता था उसकी कमांड, जब वो ट्रस्ट करते थे तो वो उसको अलाउ करता था बाकी सब ब्लॉक। तो इस तरीके से आपके नेटवर्क पर कोई और डीएससीपी सर्वर नहीं चल सकता, ठीक है। नमाज का 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास आगे स्टार्ट करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच एंड वीलैन सिक्योरिटी। How to secure a device? ठीक है, नेटवर्क में जब हम लोग काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने डिवाइसेस को सिक्योर करने की जरूरत पड़ती है और CCNA सिक्योरिटी सिस्को का जो ट्रैक है उसमें ये सारी चीजें डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, और NP सिक्योरिटी और CCI सिक्योरिटी में, लेकिन CCNA के अंदर जो है वो भी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि डिवाइस पर हम लोगों ने किया था मॉडल में इनेबल पासवर्ड, याद है ना, ठीक है, इनेबल सीक्रेट लाइन कंसोल का पासवर्ड लगाया था हम लोगों ने, ठीक है, बैनर है, सिक्योर VTY लाइन है, ये सारी चीजें तो आपको पता है ना। जी सर। अच्छा, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके स्विच पे जो है वो अनयूज जो पोर्ट्स होती है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, डिसेबल। क्यों करते हैं हम लोग इसको, क्या रीजन है इसका, हैकर एक्सेस ना कर ले।
जी अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए, अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए। अगर बाय डिफॉल्ट स्विच की जो पोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं सारी नो शटडाउन होती है ना, आप जस्ट प्लग करेंगे और वो क्या होगा कनेक्ट हो जाएगा और वो जिस VLAN का भी पार्ट होगी उस VLAN की मेंबर बन जाएगा वो यूजर और उस VLAN तक उसका एक्सेस हो जाएगा, ऐसे ही होता है ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो है क्या करें उन सारी पोर्ट्स को बाय डिफॉल्ट जो के नो शटडाउन होती है आप उसको क्या करें शटडाउन, क्लियर है। ये भी एक सिक्योरिटी का टेक्निक है ठीक है, लेकिन इसकी एक मजीद जो इसमें एनहांसमेंट क्या है कि आप उन सारी पोर्ट्स को जो अनयूज पोर्ट्स हो आप उसको एक VLAN बनाओ और उस VLAN में सारी की सारी अनयूज पोर्ट डाल दो, कोई भी एक डमी VLAN बना दें आप सही है जो कि आपके नेटवर्क में यूज ना हो रहा हो और सारी पोर्ट्स को आप क्या करें उस VLAN का पार्ट बना दें और उसके बाद उसको शटडाउन कर दें ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा ब्लैक होल VLAN ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग ब्लैक होल VLAN। अगर वो पोर्ट एक्सीडेंटली अगर नो शट हो भी जाती है आपसे तो भी वो यूजर क्या करेगा आपके नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, इस बात को समझे नहीं समझ आ रहा आगे आप क्या रीजन है इसका यूज में नहीं है वो VLAN आपके नेटवर्क का पार्ट नहीं है, आपने एक डमी VLAN बनाया हुआ है ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रैंक पर भी क्या करते हैं अलाउ VLAN करते हैं ना कि कौन कौन से VLAN को हमने अलाउ करना है ऐसे ही ठीक है। तो हम क्या करेंगे हमने एक डमी VLAN बनाया और जितनी भी हमारी अनयूज पोर्ट्स हैं हमने उसमें डाल दिया उसको मेंबर बना दिया और फिर उन पोर्ट्स को शटडाउन कर दिया हमने सही। तो अगर एक्सीडेंटली कोई पोर्ट आपसे नो शट रह भी जाती है तो भी वो क्या होगा वहां से हैकर कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, क्लियर। उसको क्या कहते हैं ब्लैक होल VLAN ठीक है। अच्छा एक चीज है आपका DTP, DTP क्या होता है बताया था ना मैंने जब प्रिंट पढ़ा रहा था, बाय डिफॉल्ट जो स्विच की पोर्ट्स होती है वो किस पे होती है नेगोशिएट कर रहा होता है ना डायनेमिक सही, या तो एक्सेस होती है या ट्रंक होती है, थर्ड क्या था डायनेमिक। डायनेमिक में वो क्या करता है वो चेक कर रहा होता है कि दूसरे स्विच की पोर्ट का स्टेटस क्या है, अगर वो ट्रंक है तो वो क्या करता था खुद ही बाय डिफॉल्ट ट्रंक कर देता था। तो अगर एक स्विच यहाँ पे मेरे पास है ठीक है जिसकी सारी पोर्ट्स का स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या है डायनेमिक ठीक है, डायनेमिक का मतलब क्या है इसके पीछे DTP प्रोटोकॉल चल रहा होता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल सिस्को का बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है इसमें ठीक है। या तो आप जाके उस पोर्ट पे नो नेगोशिएट कर दें या आप क्या करें उसका मोड क्या कर दें एक्सेस कर दें सारी पोर्ट्स का ठीक है। तो अगर यहाँ पे डायनेमिक पोर्ट है और यहाँ पे PC कनेक्ट हुआ हुआ है ठीक है, तो अगर PC कनेक्ट है तो डायनेमिक ने क्या कर दिया होगा इसको एक्सेस कर दिया होगा क्योंकि होस्ट कनेक्ट है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ये हैकर PC निकाल के एक स्विच कनेक्ट कर दे तो फिर क्या होगा ये क्या बन जाएगा और इसका अपना पोर्ट क्या कर दे ट्रंक कर दे तो ये पोर्ट कौन सी बन जाएगी आपकी ट्रंक बन जाएगी। तो जितना भी VLAN होगा वो सारा क्या होगा इस ट्रंक पे जा रहा होगा समझ लो। तो फिर ये भी क्या है आपका एक सिक्योरिटी जो है वो क्या है वीक पॉइंट हो गया ना ठीक है, सिक्योरिटी वीक पॉइंट हो गया वल्नरेबिलिटी हो गई है ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा आपके पास जितनी भी पोर्ट्स जो कि आपकी हैं जो कि जिसके साथ होस्ट कनेक्ट है मस्ट बी इन एक्सेस ठीक है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा उन सबको एक्सेस करना पड़ेगा उसको आपको डायनेमिक नहीं छोड़ना है, क्लियर है। इसका रीजन क्या है ये भी बता दिया मैंने आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, या फिर आप जाके उसको क्या करते हैं नो नेगोशिएट करते हैं तो DTP जो है वो डिसेबल ही हो जाएगा ठीक है। ये कमांड मैं आपको बता चुका हूँ नो नेगोशिएट, क्लियर है। अच्छा हाउ टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस सेंड ट्रैफिक फ्रॉम ए स्विच पोर्ट ठीक है, स्विच जो मैक एड्रेस टेबल लर्न कर रहा होता है लर्न करता है ना मैक एड्रेस जैसे भी होस्ट कनेक्ट करेंगे तो क्या करेगा उसका मैक एड्रेस टेबल अपने कैप टेबल में डाल देता है ठीक है। तो आपकी अगर पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट अगर आप ये अज्यूम करें कि चले आप इसको आप शटडाउन करना भूल गए या फिर हो सकता है
कि ये लेजिटिमेट यूजर यहाँ पे कनेक्ट हो, इसको तो आप शटडाउन नहीं करेंगे ना। जहाँ पे यूजर कनेक्ट होगा वो पोर्ट तो आपकी अब होगी, और वो भी क्या होगी, पार्ट ऑफ वीएलएनई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर फॉर एग्जांपल अगर छुट्टियों पे चला गया है, कोई भी एक रीजन है, या इसको एक्सेस मिल गया हैकर को, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपना पीसी कनेक्ट कर सकता है ऐसे ही, और उसको एक्सेस भी मिल सकता है आपके नेटवर्क का, क्योंकि ये पोर्ट जो है वो शटडाउन नहीं है, ये पोर्ट आपका जो लेजिटिमेट यूजर है वो यूज कर रहा है, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट कहीं भी यूज हो रहा है और वो यूज कर रहा है इसको, लेकिन वो किसी वजह से फॉर एग्जाम्पल वो यूजर आया नहीं, एब्सेंट हो गया, तो अगर वहां पे वो केबल निकाल के अपने लैपटॉप पे लगा ले तो वो आपके नेटवर्क में आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है ना, उसको कैसे रोका जाए? पहले जो चीज बताई तुम समझ आ गई, अब हम उसकी बात कर रहे हैं जो पोर्ट हमारी अप है सारी, जिस पे हमारे यूजर्स कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, वहां पे कोई एक्सेस मिल जाता है अगर हैकर को, ठीक है, और वो क्या करते हैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेता है या वहां पे स्विच कनेक्ट कर लेता है, तो वो तो आपके नेटवर्क में आ सकता है ना, अंदर से एक्सेस आएगा ना, या फिर हो सकता है, देखो ये हैकर जो है बाहर का बंदा ही नहीं है, ये हैकर हो सकता है आपकी कंपनी का ही बंदा हो, जो कि नया नया सीसी ने पढ़ के आया हो, सही है, और वो कोशिश कर रहा हो कि यार मैं चेक करूं कि अपने नेटवर्क पे मैं किस तरीके से एक्सेस हो सकता हूं, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने तो राइट दिए होंगे ना उसको, तो लेकिन वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई नाराज जो है ना वो एम्प्लॉय होते हैं जिनका बोनस नहीं लगाया बॉस ने, सही है, तो वो कहते हैं कि यार मैं कुछ करूं नुकसान पहुंचाऊं कंपनी को, हो सकता है ना, बाहर से तो खतरा है, अंदर से भी खतरा है ना, या नहीं है सकता, या हो सकता है किसी को टर्मिनेट कर दिया हो बॉस ने, और उसके पास एक दिन का टाइम हो, तो वो एक दिन में जो है वो कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, है सब हो सकता है, कोई भी रीजन के अंदर का बंदा है जिसके पास राइट्स थे, सही, और वो चाहता है कि आपके नेटवर्क में आपने राइट दिए होंगे, तो आपने एक ऑफिस का पीसी लगाया हुआ होगा, उसमें आपने पॉलिसीज बनाई हुई होंगी, वो तो फिक्स है ना, उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहां से उसको डिस्कनेक्ट करके वो अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकता है। तो मैक एड्रेस डिफरेंट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर, कुछ तो नहीं रोक रहा उसको सर, मैक टेबल में लिमिटेशन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैक एड्रेस टेबल पे नहीं, आपकी पोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगेगी, ठीक है, कि आप उस पोर्ट को जो है अपने पीसी के साथ, जो आपका पीसी है उसके साथ आप क्या कर सके, बाइंड कर दें, उसका जो मैक एड्रेस है वो उस पोर्ट के ऊपर क्या कर दें, आप फिक्स कर दें। ऐसे सर ऐसा होता तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक पोर्ट ऑन कर देते हैं, कहते हैं कि इस पोर्ट से तुम्हें एक्सेस है, बस उसके अलावा वो सारी पोर्ट बंद कर देते हैं, मतलब उस पोर्ट से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं करवाना है ना उससे, हमने उसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। नॉर्मली नेटवर्क पे इस हद तक लिमिटेशन होती नहीं है, वही कह रहा हूँ, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वहां पे ऐसा नहीं छोड़ जाती, ठीक है, वहां पे लिमिटेशन होती है। तो आप क्या करेंगे, आप उस पोर्ट के ऊपर जो है वो मॉनिटर करेंगे कि इस वक्त आपने जो पीसी दिया होगा ना, असाइन किया होगा, उस पीसी का मैक एड्रेस क्या है, ठीक है, और उस मैक एड्रेस को क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे उस पोर्ट के ऊपर, ठीक है, समझ आया? अब अगर उस पीसी के अलावा कोई और पीसी कनेक्ट होता है या वो अपने मैक एड्रेस को चेंज करता है तो क्या होगा, वो पोर्ट अब वॉयलेशन मोड है, कि आप उसमें क्या करेंगे, इवन क्या आप मॉनिटर कर रहे हैं खाली, इवन क्या आप पोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं,